नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जो अपने तीखे बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। एक ऐसा नेता जिसकी हिंदूवादी छवि की अक्सर चर्चा होती है, उसे बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है और वो विरोधियों को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का जन्म 1952 लखीसराय ज़िले में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लखीसराय में ही की और फिर उन्होंने पटना की मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। गिरिराज सिंह की पत्नी का नाम उमा है और उनकी एक बेटी भी है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर गिरिराज सिंह पर बेगूसराय लोकसभा सीट से दांव लगाया है। 2019 में उन्होंने इसी सीट पर जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हराया था। उस चुनाव में उन्हें 4,22,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली थी, जिसके बाद उन्हें इनाम के तौर पर मोदी सरकार में पशुपालन मंत्री बना दिया गया। वैसे गिरिराज सिंह का सियासी सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने 90 के दशक में राजनीति में कदम रखा और 2002 में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। उन्होंने लगातार 2 बार विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2008 से 2013 तक सहकारिता पशु एवं मछली पालन मंत्री के रूप में काम किया। 2014 में ही उन्होंने पहली बार में नवादा सीट से राजद के प्रत्याशी को हराकर भारी अंतर से जीत दर्ज की और 2017 में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। वैसे जब 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा शुरू हुई तो गिरिराज सिंह ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का ही जिक्र किया। गिरिराज सिंह 2011 के आसपास जब नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तब भी गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया करते थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी और उनके रिश्ते बहुत मजबूत हो गए। 2019 के चुनाव में जीत के साथ ही गिरिराज सिंह ने केंद्र स्तर पर बड़ी पहचान बनाई और चुनाव जीतने के बाद वो अपने बयानों के कारण खूब चर्चा में रहने लगे। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब उन्हें बिहार की चर्चित बेगूसराय सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। इस सीट से कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार थे और गिरिराज सिंह ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया और चुनाव को देशभक्त बनाम देशद्रोही बोलकर लड़ा। गिरिराज सिंह का नाम हमेशा से विवादित बयानों से जुड़ता रहा है। गिरिराज सिंह अपने बयानों के कारण अपनी ही पार्टी में नाराजगी का शिकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने पर पीएम मोदी ने गिरिराज को कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि इस खबर के फैलने के बाद गिरिराज ने ऐसा कुछ भी होने की बात से खंडन किया था। फिलहाल एक बार फिर वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं और पार्टी ने उन पर बेगूसराय से ही दांव लगाया है। अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो उनको बड़ा ओहदा मिल सकता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।